आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एक ऐसे माइनिंग बोर्ड के बारे में जिसको पूरा सपोर्ट कर रहा है टोनकॉइन। इस माइनिंग बोर्ड का नाम है क्लेटोन। आगे चल के इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है या फिर फेक प्रोजेक्ट है, आपको इसमें माइनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसका एयर ड्रॉप कब है और इसकी लिस्टिंग कब होगी। आपकी जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इन सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप कमेंट कर देना, वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये जो भी मैं आपको माइनिंग बोर्ड के बारे में बताता हूँ, पहले इन पर घंटों की रिसर्च होती है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन होती है, फिर उसके बाद मैं इनको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ वीडियो बनाने से पहले ही, ताकि आप सभी उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कर सको और उसके बारे में जान सको, और जब यूट्यूब वीडियो देखो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको डक के बारे में बताया जिसको कई बड़े प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं, उससे पहले मैंने आपको टोन एक्स डाओ के बारे में बताया जो कि पावर्ड बाय टोन कॉइन है, उससे पहले मैंने आपको नोट पिक्सल के बारे में बताया जो कि खुद का अपना नोट कॉइन का प्रोजेक्ट है, उससे पहले मैंने आपको कूब के बारे में बताया जिसको 100% सपोर्ट कर रहा है नोट कॉइन। इससे पहले कई और ऐसे बड़े माइनिंग बोर्ड के बारे में बताया जिनकी अभी तक लिस्टिंग हो चुकी है और कुछ की लिस्टिंग होने वाली है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आप सच में सीरियस हो और माइनिंग करके अर्निंग करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ये आज मिस हुआ तो फिर पता नहीं आपको बाद में कब मिलेगा और जब तक मेरे बताए हुए कितने बोटों की लिस्टिंग हो चुकी होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम बात करें इसके ट्विटर अकाउंट की तो करीबन 345,000 के इसके फॉलोवर हो चुके हैं अभी तक, और इसको तीन बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं, नंबर एक बॉइंकर, नंबर दो यशकॉइन और नंबर थर्ड बैकस्टोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज, टोन कॉइन ने खुद ने अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में इसके ऊपर पोस्ट किया हुआ है और कई सारे आपको ट्वीट भी मिल जाएंगे इसके ऊपर देखने के लिए, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको इसमें माइनिंग करनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके एयरड्रॉप और लिस्टिंग की तो अभी तक इनकी साइड से कोई भी ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें तो फिर वो नवंबर या फिर दिसंबर में हो सकती है। और अभी तक 8 मिलियन लोग इसके टेलीग्राम बोट को ज्वाइन कर चुके हैं जो कि एक बड़ा नंबर है। और अगर आपने अभी तक भी इसको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके लिंक के ऊपर आपको एक लिंक और मिलेगा जहां पर लिखा हुआ होगा न्यू टेलीग्राम माइनिंग बोट। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उन सभी बोटों की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिनकी जल्दी लिस्टिंग होने वाली है, आप जिसको चाहो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर बोट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जल्दी उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो अब मैं आपको इसके टेलीग्राम बोट पर लेकर चलता हूँ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में आपको बताता हूँ। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा क्लेटोन गेम का। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लेटोन पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको गेम अटैम्प्ट देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको गेट एयरड्रॉप का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने टोन वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। फिर आप कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करोगे तो आपका टोन वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरीके से मेरा हो चुका है। तो गाइस इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है गेम का, आप यहां से गेम को भी प्ले कर सकते हो, आपकी मर्जी, करो या ना करो, मैंने तो अभी तक कोई भी नहीं किया। उसके बाद आता है फ्रेंड का ऑप्शन, तो गाइस यहां से आप किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, और जब आप किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे और जो भी वो क्लेटोन के पॉइंट अर्न करेगा उसका 10% आपको मिलेगा। मान लो उसने 100 क्लेटोन के पॉइंट अर्न किए तो 10 आपको मिलेंगे उसमें से, और अगर किसी वजह से वो टेलीग्राम प्रीमियम यूजर हुआ तो आपको 25% मिलेंगे। उसके बाद गाइस ऑप्शन आता है अर्न का, आपको यहाँ पर डेली टास्क देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जैसे आप इन टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपके क्लेटोन पॉइंट इंक्रीज़ होंगे। और गाइस उसके बाद जो एयरड्रॉप का ऑप्शन है वो अभी इन्होंने इनेबल नहीं किया है, एयरड्रॉप के आसपास में ही इसको इनेबल करेंगे। तो गाइस इसमें बस इतना ही है और आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लेना, मैं जल्दी एक और नया बोट लेकर आऊँगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।